फाइनली आ गई है वो घड़ी जिसका था सभी को बेसब्री से इंतजार। फाइनली आ गई है वो घड़ी जिसके लिए फैंस बेसब्री से इतने समय से सुनने देखने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही दिनों का समय रह गया है क्योंकि सनी देओल और उनकी स्टेप मॉम हेमा मालिनी एक साथ सड़क पर झूमते हुए अपनी पार्टी का प्रदर्शन करने वाले हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दर्शकों, आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं ये स्पेशल प्रोग्राम हेमा मालिनी और सनी देओल के रिश्ते को पक्की होते हुए। आपने शायद ना देखी हो तो ये रिश्ते को पक्की करने वाले कोई और नहीं, सनी और हेमा खुद थे जिन्होंने एक ही पार्टी को चुना, जिनकी सोच एक ही जगह जाकर टिकी, जिन्होंने देश की प्रगति की ओर एक दूसरे का हाथ कदम बढ़ाकर थाम लिया है। सनी देओल ने पिछले साल ही लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बतौर सांसद जुड़कर जो सपना देखा कि गुरदासपुर की जनता को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की प्रगति के लिए वो लड़ेंगे, वो सनी को कामयाबी मिली और इसकी दुआ खुशी जताते हुए ईशा देओल ने की। तो आज हम आपको बताएंगे कि सनी हेमा मालिनी के साथ कैसे फिर हो गए हैं, कैसे थामा है उन्होंने हाथ, और ये है ऑर्डर पार्टी के लीडर्स का, पार्टी के एमपी सनी देओल और हेमा मालिनी फाइनली राजधानी दिल्ली में आएंगे आपको नजर साथ साथ। और ये तय हो चुका है इस पर ऐलान, तो फिर इंतजार किस बात का है। दर्शकों, आइए हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आज देओल परिवार में आई इस खुशियों से भरी घड़ी के बारे में जानते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हम बॉलीवुड के देओल परिवार की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, काफी समय से ये चर्चा रहा कि सनी देओल और हेमा मालिनी एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने होंगे और इस बार उनका एक दूसरे का हाथ थामना तय होने वाला है, जिसे लेकर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा समय से लोगों के बीच इंतज़ार किया और लोगों के बीच इनसे जुड़ी तमाम खबरें आती रहीं। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि अब ये इंतज़ार ख़त्म हो गया है, फैंस का देखने का ये इंतज़ार ख़त्म हो गया है। धर्मेंद्र के लिए आखिरकार सनी देओल और हेमा मालिनी एक दूसरे के साथ नजर आएंगे और इस बार ये बहुत ज़्यादा होने वाला है खास, क्योंकि इस बार इन्हें साथ लाने में परिवार से ज़्यादा जनता का बड़ा हाथ है। यहाँ पर जनता के लिए ये दो सौतेले माँ बेटे एक दूसरे के साथ होंगे और सालों बाद देओल परिवार स्वागत करेगा इनका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के बाद सनी देओल ने लास्ट ईयर लोकसभा चुनाव में जो बड़ी जीत हासिल की, उसमें भले लोग माने या ना माने, कहा जाता है कि इसमें हेमा मालिनी का भी बड़ा हाथ है। अब जो नई खबर आई है वो ये है, दरअसल क्यों खुशी से झूम रहे हैं धर्मेंद्र, इसलिए क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही सपने देखते थे कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने वाली उनकी पत्नी हेमा और उनके बेटे सनी देओल पार्टी का नाम रोशन करे तो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जनता का भरोसा भी ये जरूर जीते, जिसकी वजह से इन्हें एक दूसरे के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो पुराने गिले शिकवे भी खत्म हो जाएंगे। ये उम्मीद धर्मेंद्र की अब तक नहीं टूटी थी, यही कारण है कि जिस तरह उन्होंने अपनी पत्नी हेमा मालिनी के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान लास्ट ईयर प्रचार प्रसार किया, उसी तरह से धर्मेंद्र ने गुरदासपुर में भी अपनी पत्नी के लिए मथुरा में प्रचार करने के बाद गुरदासपुर में बेटे सनी के लिए प्रचार प्रसार किया और जनता के बीच हुआ। अब फाइनली खबर आ गई है कि फरवरी 8 की तारीख को और 11 फरवरी की तारीख को, इन दो तारीख की अगर बात की जाए तो इन दो तारीखों के बीच 8 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक की अगर बात की जाए तो दिल्ली असेंबली इलेक्शन को लेकर सिंगल फेज जो होने वाला है, द सिंगल फेज इलेक्शन फॉर दिल्ली असेंबली की जो चर्चा हो रही है, उसमें न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बल्कि
सांसद गौतम गंभीर से लेकर हेमा मालिनी और सनी देओल ही नहीं बल्कि हिस्सा लेंगे इनमें 40 बीजेपी कैंडिडेट में इन दो माँ बेटे की जोड़ी को सबसे ज्यादा तारीफ मिलने वाली है, क्योंकि देश के लिए अगर ये दो माँ बेटे अलग होते हैं, पार्टी के लिए साथ हो जाते हैं, तो इससे बड़ी गुड न्यूज कुछ नहीं हो सकती। 40 स्टार कंपेनर्स में अब हेमा और सनी का नाम जुड़ गया है और इसी कारण से इन्हें साथ साथ आकर प्रचार प्रसार करना है। हेमा मालिनी सनी देओल एक दूसरे के साथ खड़े होकर प्रचार करेंगे राजधानी दिल्ली में या फिर अलग अलग जगह पर, ये तो फिलहाल कंफर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन इनके अलावा आपको बता दें हंस राज हंस, भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन के साथ दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ भी नजर आएंगे। बीजेपी के एमपी गौतम गंभीर के साथ साथ यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ प्रचार करते हुए दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि नाम राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी और थावर चंद गहलोत का भी शुमार है, जो कि 70 में 3 सीट जीतने के बाद काफी ज्यादा साल 2015 के दिल्ली पोल्स की बात की जाए तो काफी चर्चा में रहे थे। इस बार आपको बताना चाहेंगे खबरें बीजेपी पार्टी में हेमा और सनी देओल को लेकर जोरों शोरों से चर्चा बटोर रही है, क्योंकि इनका साथ आना सबसे बड़ा एक नजारा होगा, क्योंकि पूरे भारत देश में, पूरे हिंदुस्तान में इनकी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। और हेमा मालिनी जो ड्रीम गर्ल है, उन्होंने धर्मेंद्र के साथ शादी करने के बाद से लेकर अब तक सनी देओल के साथ खुलेआम जनता के बीच पब्लिक में कभी भी पोस्ट नहीं दिया और ना तो फिल्मी सफर के दौरान इन्होंने कभी साथ काम किया। लेकिन सनी और हेमा मिलते जुलते रहे, कभी भी एक दूसरे की मुश्किल घड़ी में इन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। खुशियों में भले ही सनी और हेमा एक दूसरे के घर नहीं पहुंचे, लेकिन दुख की घड़ी में हेमा से मिलने सनी देओल पहुंचे हॉस्पिटल सबसे पहले एक बेटे होने का फर्ज निभाते हुए। तो वहीं अपनी बहन आहाना और ईशा के लिए उन्हें अपने घर लेकर आने वाले सनी देओल ही थे जब उनके चाचा बीमार थे। और तो और आपको बताना चाहेंगे कि सनी और हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की वजह से एक इवेंट में भी साथ देखा गया, जिसकी वजह से कहा जाता है कि सनी देओल के साथ कभी भी हेमा मालिनी का रिश्ता उस हद तक नहीं बिगड़ा जिस हद तक बिगड़ने वाली थी। उनके रिश्ते की हर एक डोर जब हेमा, सनी देओल और बॉबी देओल की अपनी माँ, सगी माँ प्रकाश कौर की जगह लेने धर्मेंद्र की जिंदगी में आई। धर्मेंद्र की जिंदगी में वो जरूर आई, लेकिन उनकी पहली पत्नी की जगह हेमा ने कभी भी नहीं ली। उन्होंने हमेशा उस रिश्ते की इज्जत की जिस रिश्ते को धर्मेंद्र ने पहले ही, हेमा से मिलने से पहले ही नाम दिया। उनके 4 बच्चों के पिता को हमेशा ही उनके पास रहने दिया, यहाँ तक कि धर्मेंद्र की पुश्तैनी जायदाद, पुश्तैनी घर परिवार और वहाँ के इश्कीमती चीज़ों पर भी कभी भी हेमा ने एक पत्नी होने के नाते हक नहीं जताया, जिसके कारण हमेशा वो उस परिवार से दूर रहकर भी पत्नी धर्म निभाती रही और धर्मेंद्र के देओल परिवार के लिए हमेशा खुशियों की कामना करती रही। जी हाँ दर्शकों, ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम देओल परिवार को लेकर। देओल परिवार से जुड़ी लेटेस्ट खबरें हमने आपको दी। देओल परिवार को लेकर आए इस स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपको बताया कैसे सनी देओल और हेमा मालिनी को लेकर जो खबरें आई हैं वो उनके साथ साथ होने की है, जो खबरें आई है उन्हें एक साथ देखने की है, और ये खबरें बिल्कुल सच है क्योंकि इन्हें पार्टी के लिए साथ होते हुए अब पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन पहली बार आंखों से आप देखेंगे इन्हें साथ। फिलहाल दोस्तों अब यहीं पर लेंगे आपसे इजाजत, फिर लौटेंगे ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी कुछ और नई लेटेस्ट इंटरेस्टिंग खबरों को लेकर, ट्रेंडी अपडेट्स के साथ, बॉलीवुड टाउन की अपडेट्स के साथ। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।